हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतना। आई होप यू ऑल इज वेल। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें जो हेयर्स होते हैं, हमें उनकी ड्राइंग कैसे करनी चाहिए। जो बिगिनर्स हैं उनको काफ़ी दिक्कत होती है रियलिस्टिक हेयर्स को ड्राइंग करने में, तो मैं आज आपको पूरा इसको ड्रॉ करके बताऊंगी कि हमें स्टेप बाय स्टेप कैसे हेयर्स की ड्राइंग करनी चाहिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सो फ्रेंड्स, इसकी आउटलाइन मैंने पहले से ड्रॉ करके रखी हुई है, जो कि मैंने शकोरा की HB पेंसिल से इसकी आउटलाइन किया। आप कोई भी नॉर्मल पेंसिल से इसे आउटलाइन कर सकते हो जो लाइट हो। और हेयर्स के लिए मैं चारकोल पेंसिल का यूज़ करूँगी। ये सॉफ्ट चारकोल है, इसी का हम यूज़ करेंगे हेयर्स में। और मैं आपको कुछ टूल्स के बारे में बताऊंगी। ब्रश का यूज़ करेंगे हम ब्लेंडिंग के लिए, और टॉम्बो रेजर हाइलाइटिंग के लिए, और अप्सरा की ग्लास मार्किंग पेंसिल ये भी हाइलाइटिंग के लिए, और बाकी ये चारकोल पेंसिल हेयर्स के लिए। ओके फ्रेंड्स, अब हमें हेयर्स को उसी डायरेक्शन में ड्रॉ करना है जिस डायरेक्शन में हेयर्स जा रहे हैं। तो हमें डायरेक्शन का ध्यान रखना है, जैसे जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हैं हमें उसी डायरेक्शन में ड्रॉ करना है। और आपको प्रेशर का अप्लाई नहीं करना है अभी, बिल्कुल हल्के हाथों से इसे ड्रॉ करना है, बिल्कुल लाइट। ज़्यादा आपको प्रेशर नहीं लगाना है। देखिए, मैं बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लगा रही हूँ, बिल्कुल लाइट हेड से कर रही हूँ। हम इसे वीडियो को जल्दी से हम टाइम स्लैप में कर देते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं ब्लेंडिंग के लिए ब्रश का यूज़ कर रही हूँ। इसे आपको अच्छे से इसको ब्लेंड करना है पूरा प्रॉपर तरीके से, ताकि आपकी पैचेस नहीं दिखें आपकी ये स्केच में बिल्कुल भी चारकोल के। तो आपको अच्छे से इसको ब्लेंड करना है ब्रश से। अब फ्रेंड्स, ब्लेंडिंग के बाद आपको क्या करना है, जो पार्ट डार्क है उसे आपको थोड़ा प्रेशर के साथ आपको उस पर अप्लाई करना है। देखिए, जैसे मैं जो पार्ट लाइट है मैं उसे लाइट छोड़ूंगी, और जो पार्ट डार्क है मैं उसे बिल्कुल प्रेशर के साथ उस पर अप्लाई कर रही हूँ। तो आपको थोड़े प्रेशर के साथ अप्लाई करना है अच्छे से प्रॉपर तरीके से, और आपकी पेंसिल शार्प होनी चाहिए बिल्कुल। तो इसे आप डार्क, इसे आप जहाँ तक हो सकता है आपको डार्क करना है इसे। फ्रेंड्स, अब आप इसको ब्रश से इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे पूरा प्रॉपर तरीके से। देखिए, अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये देखने में। तो आपको इसे अच्छे से ब्लेंड करना है पूरा प्रॉपर तरीके से, और जिस भी डायरेक्शन में हेयर जा रहे उसी डायरेक्शन में आपको ब्लेंड करना है। सो फ्रेंड्स, अब आपको जो पार्ट सबसे ज़्यादा डार्क दिख रहा है, अब आपको उसे बिल्कुल डार्क करना है, बिल्कुल प्रेशर के साथ आपको अप्लाई करना है चारकोल पेंसिल का। देखिए, जहाँ जहाँ डार्क पार्ट है मैं उसे बिल्कुल डार्क कर रही हूँ, और जो हाइलाइटिंग है उसे छोड़ते हुए आपको उसे डार्क करना है, और उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हेयर्स जा रहे हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से उसको ब्लैक करना है। देखिए, बिल्कुल अच्छे से उसको, जो जो पार्ट आपको बिल्कुल ब्लैक दिख रहा है उसे अच्छे से डार्क कीजिए पूरा, और उसके बाद उसे ब्रश से मर्ज भी कीजिए, तो वो एकदम रियलिस्टिक लगेगा। सो फ्रेंड्स, अब हम करेंगे इसमें हाइलाइटिंग। तो हमें हाइलाइटिंग किससे देनी है, आप चाहे तो टॉम्बोमोनो से दे सकते हैं, टॉम्बोमोनो रेजर से दे सकते हैं, या फिर आप अप्सरा की ग्लास मार्किंग पेंसिल से भी दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप टॉम्बोमोनो इरेजर से ही आप इस पर हाइलाइटिंग दें। देखिए, जो जो पार्ट आपको बहुत शाइन करता हुआ दिख रहा है उसको आपको बिल्कुल हल्के हाथ से आपको उस पर ड्रॉ करना है, उसे हाइलाइटिंग निकालनी, यानी जो जो हेयर्स जो शाइन कर रहे हैं उसे हमें अच्छे से प्रॉपर से उसको टॉम्बो इरेजर से उसे निकालना है अच्छे तरीके से प्रॉपर से। और अगर आपको थोड़ी थिक लेयर चाहिए तो फिर आप अप्सरा की ग्लास मार्किंग पेंसिल का यूज़ कीजिए वाइट कलर की, उससे आप थोड़े से थिक आप हेयर्स निकाल सकेंगे। जहाँ जहाँ आपको पार्ट लगता है कि जो पार्ट आपको लाइट लग रहा है, तो वहाँ वहाँ आप इरेजर से इसे प्रॉपर तरीके से निकालिए। आपको ज़्यादा प्रेशर का यूज़ नहीं करना है, और बहुत हल्के हाथों से आपको हेयर्स निकालने हैं। आती है अप्सरा के ग्लास मार्किंग। अब देखिए, जो पार्ट मुझे थोड़ा सा ज़्यादा हैवी लग रहा है उसे मैं अप्सरा की ग्लास मार्किंग पेंसिल से निकालूंगी। देखिए, ये
थोड़ा सा थिक होता है। ये टॉम्बो मोनो इरेजर जो होता है वो बिल्कुल फाइन लाइंस देता है, और ये अप्सरा की ग्लास मार्किंग पेंसिल है ये थोड़ा सी थिक वो देती है आपको हाइलाइट्स। सो फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है, जो आपके जो हेयर्स होते हैं तो उसमें साइडों में जो हेयर्स निकले होते हैं छोटे छोटे, उनको आप बिल्कुल लाइट पेंसिल से यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने शकुरा की HB पेंसिल है उससे मैंने थोड़े जो छोटे छोटे हेयर्स हैं उनको निकाला है, और अब ये देखिए पूरा अच्छे से रेडी हो गया है। अगर आपको कुछ इसमें पूछना है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये देखिए मैंने प्रॉपर तरीके से इसमें बताया है कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप आपको लेयर्स लगानी चाहिए हेयर्स की, हाइलाइटिंग के लिए क्या यूज़ करना चाहिए और फाइन लाइन के लिए क्या यूज़ करना चाहिए। तो आप इस तरीके से आप अपने हेयर्स ड्रॉ कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया होगा, और मैंने इसमें पूरी कोशिश की आपको बताने की कि आपको स्केचिंग में जो हेयर्स की ड्राइंग होती है वो कैसे करनी चाहिए स्टेप बाय स्टेप, आपको जो डार्क एरिया है उसको कैसे कवर करना है, जो हाइलाइटिंग है उसे कैसे कवर करनी है, और जो मिडिल टोन होती है हमें उसका भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि हाइलाइट्स और जो डार्क टोन होती है उनके बीच में भी टोन होती है। अगर हम उस टोन का ध्यान नहीं रखते तो फिर डार्क और लाइट जो दोनों टोन से उनका कोई मतलब नहीं रह जाता, इसलिए हमें तीनों टोन्स को साथ में रखते हुए काम करना चाहिए। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए अगर आप चैनल पे नए आए हो तो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।